नमस्कार, मैं गीता घाड़ी, स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। अब तक हुआ 39 करोड़ लोगों का टीकाकरण, कोरोना नियंत्रण के लिए दक्ष रहने की प्रधानमंत्री की सूचना। विधायक के मराठी बैनर से कन्नड़ संगठनाओं की नाराजगी। डॉक्टर बत्रास क्लिनिक द्वारा विशेष सेवा का शुभारम्भ। अनमोड़ घाट में पहाड़ ढहने से यातायात। युवा समिति के विलगीकरण केंद्र से 11 लाख की बचत। कारतगा में घन कचरा प्रकल्प की योजना। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। COVID-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831-243577 और 8884-121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। देश में कोरोना निवारक टीकाकरण ने गति पकड़ ली है। अब तक कुल 39,53,43,767 नागरिकों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। अब मोदी सरकार ने वैक्सीन की और डोज का ऑर्डर दिया है। यह ऑर्डर अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होने जा रहा है। जल्द ही देश में वैक्सीन की 66 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगी। भारत सरकार ने 14,505 करोड़ रुपए के कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों टीकों की खुराक का ऑर्डर दिया है। इससे निश्चित रूप से देश में टीकों की उपलब्धता बढ़ेगी। 26 जून को सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र का लक्ष्य अगस्त से दिसंबर के बीच देश में 135 करोड़ डोज उपलब्ध कराने का है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 66 करोड़ खुराक के अलावा सरकार ने कॉर्बोवैक्स वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक अग्रिम रूप से आरक्षित की है। यानी अगस्त से दिसंबर तक देश में कुल 96 करोड़ डोज उपलब्ध होने की उम्मीद है। कोरोना नियंत्रण के लिए दक्ष रहने की प्रधानमंत्री की सूचना। कुछ राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार को 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जिन राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है उनमें मोदी जी ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है। इस बैठक में कोरोना स्थिति नियोजन पर विस्तार से चर्चा की गई। पिछले मंगलवार को प्रधानमंत्री जी ने पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी। पिछले कुछ दिनों में यह 6 राज्यों में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने और बिना मास्क बाजारों में घूमने वालों की संख्या पर चिंता व्यक्त की जा रही है। मोदी जी ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर भी जोर दिया है। मोदी जी गुरुवार को वाराणसी पहुंचे, उस समय उन्होंने अपने भाषण में चेतावनी दी कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गैर जिम्मेदारी घातक हो सकती है। विधायक के मराठी बैनर से कन्नड़ संगठनाओं की नाराजगी। बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके जी के जन्मदिन के अवसर पर बेलगाम के कित्तूर रानी चन्नम्मा चौक मराठी में एक बड़ा बैनर लगाया गया था। क्रिकेट प्रशंसकों ने यह बैनर चन्नम्मा चौक के पास मराठी में लगाया था। इस पर बीजेपी विधायक अनिल बेनके जी की एक बड़ी फोटो है। इस मराठी भाषा बोर्ड को लेकर कन्नड़ संगठनों में गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि बोर्ड पर कन्नड़ नहीं है। कन्नड़ संगठनों के नेताओं ने नाराजगी व्यक्त की कि बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए विधायक बेनके जी मराठी भाषियों के हित में काम कर रहे हैं। मराठी भाषा में बैनर को लेकर कन्नड़ संगठन और उनके समर्थक गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। डॉक्टर बत्रास क्लिनिक द्वारा विशेष सेवा का शुभारंभ। डॉक्टर जिन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा साबित की है, बेलगाम में बत्रास क्लिनिक विशेष सेवाएं देगा। यह बालों के झड़ने के लिए उपचार प्रदान करता है। यह जानकारी कंपनी के CEO संजय मुखर्जी ने दी।
बेलगाम नेहरू नगर में डॉक्टर बत्रास क्लिनिक की एक शाखा शुरू की गई है। इसमें बायो इंजीनियर्ड हेयरफॉल ट्रीटमेंट नामक एक विशेष खंड पेश किया जा रहा है। इससे जरूरतमंदों को बालों की समस्या का इलाज मिल सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक ऐसे केंद्रों की शाखाओं में इलाज की गई आवश्यकताओं के उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुए है। इस समय कंपनी के विशेषज्ञ डॉक्टर तेजल आजमेरा, डॉक्टर तारा सैयद के साथ बेलगाम सेंटर के प्रमुख डॉक्टर तौफिक सैयद मौजूद थे। अनमोड़ घाट में पहाड़ ढहने से यातायात। पश्चिमी घाट में सह्याद्री घाटी में मूसलाधार बारिश के चलते बेलगाम गोवा हाईवे 4A पर अनमोड़ घाट में गोवा बॉर्डर ढहने लगा है। बुधवार की रात सड़क पर बड़े पत्थर और पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गई। जेसीबी की मदद से पत्थरों को दूर कर रास्ता साफ किया गया। जेसीबी ने गोवा बेलगाम सीमा पर एस टर्न से गुरुवार की मध्यरात्रि में मिट्टी और पत्थरों को हटाना शुरू किया। साथ ही कर्नाटक सीमा पर रात में एक पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे यातायात बाधित हो गई। बेलगाम हुबली से गोवा के लिए सब्जियां ले जा रहे चालकों ने सुबह सड़क साफ की। मार्ग पर भारी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और रामनगर पुलिस ने रामनगर में सड़क पर बैरिगेट्स लगा दी है, लेकिन स्थानीय वाहनों के साथ साथ चार पहिया और छह पहिया वाहन अभी भी चल रहे हैं। युवा समिति के विलगीकरण केंद्र से 11 लाख की बचत। महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा शुरू किए गए कोरोना विलगीकरण केंद्र को आम जनता और दानदाताओं का अच्छा रिस्पांस मिला। 45 दिन के केंद्र में 11,82,511 रुपए का बैलेंस है। बैठक में इसकी जानकारी दी गई। लोकसभा उपचुनाव क्रेडिट को भी सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के तहत कल गुरुवार को मराठा मंदिर हॉल में कोरोना विलगीकरण कक्ष और लोकसभा उपचुनाव की बैठक हुई। अध्यक्षता युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके ने की। कोरोना काल में महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से कोरोना विलगीकरण कक्ष बनाया गया। 45 दिनों तक चलने वाले इस कक्ष को आम जनता और दानदाताओं का भरपूर सहयोग मिला। बैठक में इन सभी राशियों को मंजूरी दी गई। बैठक में रमाकांत कोंडुस्कर, अप्पा साहेब गुरव, महादेव चौगुले, संजय सातेरी, मदन बामने, दत्ता जाधव, महादेव पाटिल, महेश नाईक, संजय शिंदे, प्रशांत भातकांडे, राजू बिरजे, सुनील बोकडे, अंकुश केसरकर और अन्य शामिल थे। कारतगा में घन कचरा प्रकल्प की योजना। कारतगा में ग्राम पंचायत के माध्यम से बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस घन कचरा प्रकल्प का शुभारंभ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। कारतगा क्षेत्र के खड़ी माल में 5 एकड़ की गायरान भूमि पर घन कचरा प्रकल्प स्थापित किया जाएगा। इसमें उद्योग आश्वासन और 15वां वित्त आयोग शामिल है। लगभग 50 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकल्प का भूमि पूजन जिला पंचायत सदस्य सुमित्रा उगले, ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष रशीदा पटेल, सदस्य पद्मजा अलंकार, मंगल नाईक, स्वाति कांबले, बालवा दलवाई ने किया। कार्य का उद्घाटन ग्राम पंचायत अध्यक्ष सुदीप सिंह उगले, सदस्य राजू खिचड़े, विकास अधिकारी नंद कुमार फपे, किरण टाकले सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के हाथों किया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831-243577 और 8884-121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा की ओर से वृक्षारोपण आंदोलन शुरू करने और प्रदेश भर में 1 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। इसे हाल ही में भाजपा ने लॉन्च किया है। मुख्य अतिथि के तौर पर युवा नेता बसव प्रसाद जोले मौजूद रहे। कारतगा तालुका के निप्पाणी में बीरदेव मंदिर परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
अध्यक्ष स्थान पे निपानी ग्रामीण भाजपा के अध्यक्ष पवन पाटिल थे। बसव प्रसाद जोले ने वृक्षारोपण कर बीरदेव मंदिर क्षेत्र में वृक्षारोपण का उद्घाटन किया। मंदिर क्षेत्र में वृक्षारोपण में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं युवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर पवन पाटिल, एपीएमसी सदस्य नितेश खोत, राजू भदरगड़े, तालुका पंचायत सदस्य दादासाहेब नरगट्टे, एसके माली, बाबा साहेब खोत और बीरदेव मंदिर सुधार मंडल के सदस्य सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। बेसहारा वृद्ध को हेल्प फॉर नीडी से मदद। कपलेश्वर रोड तंगड़ी गली और राम मिस्त्री अड्डा में एक बुजुर्ग घायल पाया गया और उसे इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। पिछले दो दिनों से भांदुर गली रेलवे ट्रैक पर वह पड़ा था। वृद्ध से क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता कपिल भोसले के नेतृत्व में श्री कपिलनाथ युवक मंडल और श्री बाल शिवाजी युवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने पूछताछ की। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने हेल्प फॉर नीडी अध्यक्ष सुरेंद्र अनगोलकर और अभिषेक पुजारी, भरत नागरोली, नीलेश वेरणेकर से संपर्क कर वृद्ध को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इनर व्हील क्लब का पदग्रहण समारंभ संपन्न। बेलगाम के इनर व्हील क्लब के नए पदाधिकारियों का पदग्रहण समारोह बुधवार 14 तारीख को शाम 4:30 बजे ऑनलाइन आयोजित किया गया। अधिष्ठापन अधिकारी के रूप में राज्यपाल रत्ना बेहरे मौजूद रही। इना सरनोबत के प्रार्थना से शुरुआत हुई। क्लब की निवर्तमान अध्यक्षा शर्मिला कोरे ने अतिथियों का स्वागत किया। शिल्पा मनोज ने संदेश पढ़ा। सोनल धामनकर को पिलर ऑफ क्लब, अर्पणा भटकल अवार्ड और रूपा पोद्दार अवार्ड उर्मी शेरगर को दिया गया। बेहरे ने क्लब के नए अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा शेट्टी को मेडल से नवाजा गया। इसके बाद नए सचिव डॉक्टर सविता कद्दू के साथ उपाध्यक्ष शालिनी चौगुले, कोषाध्यक्ष तेजस्विनी हजारे, ममता जैन, प्रीति चिंडक, लता कित्तूर, संयुक्त सचिव पुष्पांजलि मुक्कन्नावर, शिल्पा शाह, कीर्ति टेम्बे, स्वाति कुलकर्णी, बेला शिवलकर, प्रिया खटाव को 2021-22 अवधि तक की जिम्मेदारियां दी गयी। जेईई मुख्य परीक्षा होगी अगस्त में। कुछ दिन पहले पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने जेईई मुख्य परीक्षा की तारीखों की घोषणा की थी। तारीखों के मुताबिक जेईई का तीसरा चरण 20 जुलाई से 25 जुलाई तक होना था, जबकि जेईई का चौथा चरण 27 जुलाई से 2 अगस्त तक की तारीखों में होना था। अब बदलाव किया गया है। इस संबंध में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया है। ट्विटर पर धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक चौथे चरण की परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार चौथे चरण की परीक्षाएं 26 अगस्त, 27 अगस्त, 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर को होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जेईई मुख्य के चौथे चरण के लिए कुल 7,32,000 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। बेलगाम शेडबाल पैसेंजर रेलवे सेवा प्रारंभ। लॉकडाउन के बाद बेलगाम से शुरू हुई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन फिलहाल खाली चल रही है। बेलगाम शेडबाल ट्रेन पिछले 4 दिनों से शुरू की जा रही है और इसे यात्रियों का कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल रहा। पिछले 2 महीने से बंद बेलगाम शेडबाल पैसेंजर को 4 दिन के लिए फिर से खोल दिया गया है। इससे पहले भी बेलगाम मिरज रेल मार्ग चल रहा था। महाराष्ट्र से आए यात्रियों की लॉकडाउन और जबरन कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की मांग के कारण ट्रेन को अब कर्नाटक बॉर्डर यानी शेडबाल की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। पैसेंजर ट्रेन सुबह 8 बजे बेलगाम से रवाना होती है और ट्रेन सुबह 11:30 बजे शेडबाल में पहुंचती है। ट्रेन दोपहर 12 बजे रवाना होती है, दोपहर 2:30 बजे शेडबाल से बेलगाम पहुंचती है। ट्रेन को फिलहाल यात्रियों का खास प्रतिसाद नहीं मिल रहा। बेलगाम से रवाना होने पर इस ट्रेन में कम से कम 15 यात्री मिल रहे हैं। बेलगाम से मैसूर और बेलगाम से बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेनों में भी यात्रियों की संख्या कम मिल रही है। इन दोनों ट्रेनों के लिए बेलगाम से 100 से भी कम यात्री मिल रहे हैं। महंतेश कवड़गी मर्जी ने किया गांवों का दौरा। कर्नाटक सरकार के मुख्य प्रतोद विधान परिषद सदस्य महंतेश कवड़गी मर्जी ने बेलगाम तालुका के विभिन्न गाँवों का दौरा किया।
उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ सांबरा क्षेत्र की निलजी मुतगा सांबरा बाड़ेकुंद्री खुर्द बाड़ेकुंद्री बुद्रुक मुतगा मारीहाल सुलेभावी करड़ी गुद्दी और अन्य ग्राम पंचायतों का दौरा किया। उन्होंने संबंधित ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्यों से भी चर्चा की और समस्याओं के बारे में जाना। इस अवसर पर भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धनंजय यादव और पूर्व महापौर शिवाजी सुंदकर उपस्थित थे। स्कूल में चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार। शाहपुर पुलिस ने लॉकडाउन में सरकारी स्कूल में लगे पंखे चोरी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान अमर संजय हजारी उम्र 22 वर्ष निवासी वर्धप्पा गली खासबाग के रूप में हुई है। गवर्नमेंट बॉयज गर्ल्स स्कूल नंबर 3 के कुल 5 पंखे 30 मई को युवक ने चोरी किए थे। इसकी कीमत करीब 25,000 रुपए थी। चोरी की शिकायत स्कूल के प्रधानाध्यापक दयानंद शंकर पाटिल ने शाहपुर थाने में की थी। शाहपुर पुलिस ने हमेशा की तरह मंगलवार की रात गश्ती पर चोर को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह शकी रूप से घूम रहा था। शाहपुर थाना निरीक्षक राघवेंद्र हवलदार के नेतृत्व में उप निरीक्षक मंजुनाथ नायक और उनके साथियों ASI सनदी और SM कामले ने कार्रवाई की। रूपाली हनुमंत मोदगेकर का निधन। खंजर गली निवासी रूपाली हनुमंत मोदगेकर उम्र 46 साल इनका 14 तारीख को दिल का दौरा पड़ने से दुखद निधन हो गया। उनके पश्चात बेटी माता पिता और भाई ऐसा परिवार है। रत्नाबाई देसाई का निधन। हलसीवाड़ी तालुका खानापुर निवासी 85 वर्षीय रत्नाबाई वेंकटेश देसाई का शुक्रवार 16 तारीख को निधन हो गया। उनके पश्चात एक बेटा दो बेटियां और पोते पोतियां ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।